पलवल जिले के खादर क्षेत्र के गांव भोलड़ा में उस समय कोहराम मच गया जब एक ही परिवार के दो बच्चियों सहित तीन की यमुना नदी में नहाते समय डूबने से मौत हो गई। इस हादसे के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल पसरा हुआ है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इन बच्चों में 12 वर्षीय पूजा, पुत्री सतपाल, 10 वर्षीय ममता, पुत्री ज्ञानचंद एवं 11 वर्षीय करण पुत्र लालाराम बताए जा रहे हैं। तस्वीरों में हृदय विदारक विलाप करती हुई ये महिलाएं पलवल के गांव भोलड़ा की हैं। बता दें कि रविवार का दिन पलवल जिले के खादर क्षेत्र के गांव भोलड़ा के लिए बेहतर भारी पड़ा है और उन्होंने भोलड़ा में 11 वर्षीय करण अपने दो चचेरी बहनों 10 वर्षीय ममता और 12 वर्षीय पूजा के साथ यमुना नदी में नहाने के लिए किया थे, जहां अचानक तीनों बच्चे नहाते समय यमुना नदी में डूब गए और नदी में डूबने के कारण तीनों बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। तीन बच्चों की मौत की सूचना मिलते ही पूरे गांव में कोहराम मच गया। सूचना मिलने के बाद मृतक बच्चों के परिजन मौके पर पहुंचे और यमुना नदी से तीनों बच्चे के शवों को बाहर निकाला। तीनों बच्चों की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। महिलाओं के विलाप को देखकर किसी की आंखों में आंसू आ रहे हैं। पलवल विधायक दीपक मंगला ने इस हादसे के बाद परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हुए कहा है कि इस दुख की घड़ी में परिवार के हर संभव मदद करने का प्रयास किया जाएगा। वहीं भाजपा मजदूर प्रकोष्ठ के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य जसवीर उर्फ जस्सा का कहना है कि इस हादसे के बाद पूरे खादर क्षेत्र में मातम का माहौल है। इस दुख की घड़ी में वह भी परिवार के साथ खड़े हैं। आप देख रहे हैं पलवल ब्यूरो रिपोर्ट। आज हमारे यहाँ गाँव भोलड़ा में खादर क्षेत्र में गांव भोलड़ा पड़ता है जी, जिसमें यमुना नदी जी का जल स्तर बढ़ने से तीन बच्चे अपनी जान गंवा बैठे हैं। परिवार बहुत इस टाइम दुख घड़ी में गुजर रहा है और हमारे दीपक मंगला जी इस टाइम पार्टी के कारण किसी अपने कार्यवश नहीं गए हुए हैं। उन्होंने बताया कि हमें वहां की पूरी रिपोर्ट दी जाए और हम समाज के साथ खड़े